हमारी जो सरकार है उसका फोकस है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें फ्रंट लोडेड सब्सिडीज़ हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एंटरप्रेन्योर्स की, यूथ की जो है हैंड होल्डिंग करें। उसी हवाले से आज मुझे बहुत खुशी है कि रामबन में एक, मैं पहले भी दो चार डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बाकी सर्विस स्टेशंस जो यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उनमें मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। आज भी मैं एक फंक्शन में यहाँ पर आया था, एक डिपार्टमेंटल स्टोर की जो इनॉग्रेशन हुई। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, नया इनिशिएटिव है जिसमें कस्टमर्स को भी फैसिलिटीज मिलेंगी और यूथ की भी जो है सस्टेनेबल जॉब जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। तो मैंने यूथ को यही कहा है कि आप थोड़ा इनोवेटिव हो जाएं, थोड़ा लोकल ऑर्गेनिक फूड पे भी कॉन्सेंट्रेट करें। पैक्ड फूड तो है, एवरीबडी हैज बिकम हेल्थ कॉन्शियस, सब लोग पैक्ड फूड ही अब लेना पसंद करते हैं। मैंने इनको कॉम्बो पैक्स के लिए भी कहा है और साथ ही साथ जो हमारी नई हमने एक ऐप लॉन्च की है जिसकी डेटाबेस हम अपडेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1 दिसंबर को हम उसको एक रिन्यूड वे में लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज द सेम ऐप जिसके लिए रामबन डिस्ट्रिक्ट को सिल्वर अवार्ड मिला है, दैट इज रामबन ई सुविधा। तो मैंने इनके प्रोप्राइटर से यही कहा कि वो अपने नंबर और सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी ई सुविधा लैब के ऐप पे इसको अपलोड करेंगे। इसके अलावा मैंने इनसे ये भी बताया कि इस पूरे एरिया में जितने भी यूथ बिजनेस अपने सस्टेनेबल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं वो अपने नंबर्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी वेबसाइट पे जाके और अपनी ऐप पे जाके उनको अपलोड करेंगे। द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ टू यूथ टू गेट इनटू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट।